भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शिराज साथियों आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में दुनिया में नंबर एक पे आ चुके हैं। जी हाँ, मोहम्मद सिराज जिन्होंने 17 सितंबर को कोलंबो में श्रीलंका के साथ भारत श्रीलंका का जो फाइनल मैच था एशिया कप का, उसमें महज 21 रन देके 6 विकेट लिए थे और इसी के साथ ही एशिया कप के सबसे सफल गेंदबाज के रूप में भी स्थापित हुए थे मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज हाल ही में आईसीसी के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज घोषित हुए हैं। आईसीसी के रैंकिंग में नंबर वन पर आए हैं 694 के साथ। क्या कुछ है इसमें, आइए मैं बात करते हैं इसके बारे में। मेरे साथ आईसीसी रैंकिंग की अगर बात करें तो इस रैंकिंग में आप यहां देख पा रहे हैं टॉप 10 जो बॉलर से आईसीसी के अनुसार, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसके अनुसार दुनिया के टॉप 10 जो बॉलर से वो इस पदक तालिका में आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं, इसके अनुसार जो है वो ये आपके सामने हैं। क्या है, देखिए मोहम्मद सिराज नंबर एक पे हैं और ये भारत से हमारे यहां से हैं 694 पॉइंट्स से। मोहम्मद सिराज इससे पहले 90 नंबर पे थे, 8 पॉइंट्स की बढ़त की है इस लिस्ट में और अब बन गए हैं मोहम्मद सिराज दुनिया के नंबर वन बॉलर, जो कि आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। साथियों नंबर दो पे यहां पे जोश हेजलवुड है जो इस लिस्ट में पहले नंबर पे बने हुए थे, इस रैंकिंग में पहले नंबर पे बने हुए थे ऑस्ट्रेलिया के 678 जो अंग पॉइंट्स हैं इसके साथ। मगर चूंकि मोहम्मद सिराज ने एशिया कप में जो जादू बिखेरा है उस एशिया कप के जादू के बाद ये दुनिया के नंबर वन बॉलर बन चुके हैं। इस लिस्ट को आप देख पा रहे हैं ट्रेंट बोल्ट थर्ड नंबर पे है, मुजीबुर रहमान जो है चौथे नंबर पे हैं और नीचे तक अगर आप देखेंगे तो भारत के एक और जो बॉलर हैं कुलदीप यादव, ये 638 पॉइंट्स के साथ इस लिस्ट में 9वे नंबर पर दिखते हैं। साथियों आईसीसी के रैंकिंग में सिर्फ बॉलर्स की रैंकिंग ही जारी नहीं हुई है, यहाँ पे बैट्समैन और ऑलराउंडर की भी रैंकिंग जारी हुई है। मैं आपको बताता हूँ हमारे उस खिलाड़ी के बारे में जिस खिलाड़ी ने काफ़ी अंतरों का सामना करते हुए फेस करते हुए महज एक कदम वो भी इस लिस्ट में दूर हैं। किससे दूर हैं चाहिए बात करते हैं तो ये है आईसीसी टॉप 10 जो बैटर्स है, जो बैट्समैन है उनकी रैंकिंग यहाँ आप देख पा रहे हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम जो है ये 857 पॉइंट के साथ फर्स्ट नंबर पे है, मगर शुभमन गिल जो हैं वो इस लिस्ट में अब आ चुके हैं सेकंड नंबर पे हमारे यहां के, जिनके महज कुछ ही पॉइंट्स दूर हैं नंबर वन पे काबिज होने के। 814 नंबरों के साथ पॉइंट्स के साथ शुभमन गिल जो हैं 814 पॉइंट्स के साथ शुभमन गिल इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे हैं। इस लिस्ट में अगर हमारे और अन्य खिलाड़ियों की बात करें, भारत के जो मशहूर खिलाड़ी हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, इसमें आप देख पा रहे हैं 8वें और 10वें नंबर पे आपको दिखते हैं। मगर यह माना जा रहा है कि अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो सीरीज है उस सीरीज के बाद कहीं ना कहीं शुभमन गिल का जो स्कोर है, जो पॉइंट्स हैं वो और सुधरेंगे और शायद बहुत जल्द हमें यह अगले सप्ताह की जो रैंकिंग आती है उसमें हमें यह बाबर आजम को पछाड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। वहीं अगर बात करें ऑलराउंडर्स की तो साथियों यहां पर आप देख पा रहे हैं आईसीसी के टॉप 10 जो इस सप्ताह के ऑलराउंडर्स हैं उनके पॉइंट्स आप और उनके अनुसार यहां पर आप लिस्ट देख पा रहे हैं। शाकिब अल हसन जो है बांग्लादेश के, ये 371 पॉइंट्स के साथ दुनिया में नंबर वन पे हैं आईसीसी के अनुसार और इस लिस्ट में हमारे हार्दिक पांड्या जो है ये 6वें नंबर पे आपको दिखते हैं। हार्दिक पांड्या 243 पॉइंट्स इनके हैं और इस हिसाब से ये हुए 6वें नंबर पे। तो साथियों भारत के लिए गर्व का विषय है, हमारे मोहम्मद सिराज जो हैं जो कि एक तेज गेंदबाज है जिन्होंने करिश्माई बॉलिंग की थी और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं श्रीलंका की जो टीम थी वो महज 50 रन पे सिमट के रह गई थी एशिया कप के फाइनल में। तो वो मोहम्मद सिराज उस मैच के कारण कहीं ना कहीं आज आईसीसी की गेंदबाजों की जो लिस्ट है, जो रैंकिंग है, उसमें दुनिया के नंबर वन पे शामिल हुए हैं, नंबर वन का स्थान उन्हें हासिल किया है। बने रहिए मेरे साथ और इस प्रकार के अपडेट्स के लिए। जय हिंद।